ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धन और सभी प्रकार के भौतिक सुखों के कारक ग्रह शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 7 जुलाई 2023 की सुबह 3:36 पर शुक्र आपकी राशि से निकलकर सूर्य से प्रभावित राशि सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 7 अगस्त 2023 तक शुक्र सिंह राशि में ही संचरण करने वाले हैं, तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में असर देखने के लिए मिलेगा। इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सभी नवग्रहों में वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है और एक शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर शुक्र का प्रतिनिधित्व और आधिपत्य होता है। शुक्र की अनुकूल स्थिति यदि किसी भी राशि के जन्म कुंडली पर हो, किसी भी जातक की जन्म कुंडली पर हो, तो कई प्रकार की सफलता जीवन में देखने के लिए मिलती है। शुक्र अगर अनुकूल हो तो जातक अपने व्यक्तित्व और अपने वाणी की मिठास के द्वारा विपरीत लिंग को आकर्षित करने में सफल होता है। शुक्र अगर बलि हो तो सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख प्राप्त होता है। शुक्र बलि हो तो कुटुंबी जनों का, परिवार के सदस्यों का आजीवन संयोग देखने के लिए मिलता है। शुक्र अगर बलि हो तो वैवाहिक सुखों में वृद्धि होती है, यानी वैवाहिक सुख देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ शुक्र की स्थिति यदि जन्म कुंडली पर खराब हो, नकारात्मक हो, तो यौन जनित बीमारी, संस्कारहीनता, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, संतान को कष्ट और वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना शुक्र के पीड़ित होने पर करना पड़ता है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा असर देखने के लिए मिलने वाला है। दी गई जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, इसलिए आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही देखें। आपकी राशि के लिए शुक्र आपके लाभ भाव और सुख भाव के स्वामी माने जाते हैं। जो कर्क राशि वाले जातकों के राशि के द्वितीय भाव पर प्रवेश कर रहे हैं, राशि के दूसरे भाव से धन, मुख, वाणी, परिवार के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। द्वितीय भाव पर शुक्र मौजूद होकर कई प्रकार की सफलता आपके जीवन में देने वाले हैं। सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र का यह गोचर पारिवारिक जीवन को काफी खुशहाल बनाएगा और घर में खुशियों में बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। संभावना ऐसी है, घर में किसी धार्मिक आयोजन हो, धार्मिक फंक्शन हो, धार्मिक समारोह हो, जिसमें आपको नए अतिथियों से मिलना और आगमन लगातार बना रहे, तो पारिवारिक जीवन का भरपूर संयोग आपको देखने के लिए मिलेगा। धन के मामले में यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। प्रबल धन लाभ की विशेष संभावना आपके जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। आय के स्रोतों में वृद्धि होने लगेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय काफी बेहतर रहने वाला है। लाभ भाव के स्वामी शुक्र आपके धन भाव पर गोचर करेंगे। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कर्ज बना हुआ है, उससे आपको निजात देखने के लिए मिल सकती है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के वाणी और व्यक्तित्व में निखार देखने के लिए मिलेगा। इसकी वजह से कर्मस्थल पर और पारिवारिक जीवन में उन्नति और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रह सकते हैं। कर्क राशि के ऐसे जातक
जो शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे यदि आप संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है, थिएटर, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में होटल या रेस्टोरेंट का संचालन करते हैं, कपड़े के व्यापारी हैं, ज्वेलरी का यदि आप कार्य करते हैं, तो समय आपके लिए काफी बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में विदेश में रहकर यदि आप कोई कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं तो समय आपके लिए काफी बेहतरीन रहने वाला है। शुक्र की अनुकूल स्थिति इस समयावधि में आपके भौतिक सुखों में वृद्धि देने के लिए स्थितियां बना रही है। यानी यदि आप कर्क राशि के जातक हैं और किसी प्रकार के भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना यदि आप बनाकर चल रहे हैं, उसमें आपको विशेष उपलब्धि देखने के लिए मिलने वाली है और मान सम्मान भरी स्थितियां भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों को शुक्र के मंत्रों का जप करना बेहतर रहने वाला है। ओम सुम शुक्राय नमः नामक मंत्र का जरूर जप करें। शुक्रवार के दिन गाय के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करना बेहतर रहने वाला है, जैसे दही, शक्कर, ग्लूकोज, चावल या सफेद वस्त्र का दान किसी सात्विक ब्राह्मण को यदि आप पूर्ण रूप में श्रद्धा और दक्षिणा भाव से करते हैं तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशि फल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।